quickly go across to Anil Thakur as well, who's joining us from Hamirpur. Anil, over to you. If you can just quickly speak to some people, क्या बोल रहे हैं लोग हमीरपुर में, क्या चाहते हैं वो नई सरकार से? बिल्कुल देविका, देखिए हिमाचल में जो वोटिंग परसेंटेज है वो 48% के ऊपर जा चुका है और 2019 का जो वोटिंग परसेंटेज था उसके ऊपर संभावना है कि ये आज जो है वोटिंग हिमाचल में हो। और जिस बूथ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी 50% से ज्यादा जो है वोटिंग हो चुकी है। और मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, स्थानीय लोग, इनसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा है। क्या देख के आप वोट डाल रहे हैं आज? हम देख रहे हैं अपने कैंडिडेट को देख के वोट कर रहे हैं। किन किन मुद्दों पर आपने सोचकर वोट डाला है? सर, हमने जो हमारे यूथ के लिए एजुकेशन वाइज स्पोर्ट्स डेवलपमेंट जो भी हमारे इलाके में हुआ है और जो ओवरऑल ऑल इंडिया में डेवलपमेंट हमने पिछले सरकार में देखा है, तो उस मुद्दों पे लेके हम वोट अपना डालते हैं एंड यही हमारा आगे भी रहेगा। थैंक यू। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष। किन किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग किया? हमारे मुद्दे स्पष्ट हैं, जिनकी वजह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है यहाँ भारत में, अयोध्या जी में रामलला जी को प्रतिष्ठित किया गया है, तो हम तो उसी पार्टी के साथ जाएंगे जी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजनेश है जी। क्या सोचकर आपने वोट डाला आज? देखिए हिमाचल में रिकॉर्ड टूट गए हैं, बाकी स्टेट के मुकाबले यहाँ वोटिंग परसेंटेज भी अच्छी हो रही है और अब तक 48% से ज्यादा वोटिंग हिमाचल में हो चुकी है और इस बूथ पर 50% से ऊपर वोटिंग है। नहीं, बहुत अच्छी बात है जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हिमाचल में अच्छी वोटिंग हुई है और भी अच्छी बात है। एक चीज मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि ये वोटिंग हिमाचल के लिए नहीं हो रही है, ये वोटिंग संसद के लिए हो रही है, भारत के लिए हो रही है और हमें उन्हीं मुद्दों का ख्याल रख के वोटिंग करनी चाहिए। किन किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट डाला अपना? मेरा मुद्दा देश है, देश की तरक्की है, देश का दुनिया में नाम है, युवा है, उनके लिए हमने वोट डाला है। बिल्कुल देविका, आपने सुना लोग कह रहे हैं कि हमने जो विकास के मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखकर वोट डाला है और हिमाचल की जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी एकदम ऊपर है, क्योंकि अभी जो है कड़ी धूप थी लेकिन इसके बाद लोग फिर बड़ी तादाद में वोट डालने आएंगे, तो इस बार हो सकता है कि जो 2019 के आंकड़े हैं उससे ऊपर वोटिंग परसेंटेज जो है वो हिमाचल में जा सकती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.